हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है द कॉमर्स एस्पायरेंस। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी मैं हाजिर हूँ यूनिट 7 को लेकर के, जो कि है IBO 3 का हिस्सा, जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड। राइट, सो वी आर गोना डिस्कस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड वी आर गोना डिस्कस इट। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई वुड लाइक टू से दैट इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड एंड हिट द बेल आइकन विच इज़ विच विल बी जस्ट ऑन द राइट साइड। राइट, ओके देन, तो चलिए आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, विच इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देन लेट्स स्टार्ट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज स्पेसिफिकली डिलीनिएटेड ड्यूटी फ्री इनक्लेव एंड शैल बी डीम्ड टू बी अ फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड ऑपरेशन एंड ड्यूटीज एंड टैरिफ्स। बात कही जा रही है कि ड्यूटीज़ एंड टैरिफ्स जो होते हैं ट्रेड पर्पज़ के लिए, जो ड्यूटीज़ एंड टैरिफ्स होते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है एक तरह से एक ऐसा इलाका, एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाता है जहाँ पे जो है ड्यूटी फ्री होता है। राइट, जो आपको टैक्सेस होते हैं वो नहीं देने पड़ते हैं या कम देने पड़ते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। माफ़ी चाहूँगा। गुड्स गोइंग इन टू द SEG शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट। अगर कोई भी गुड्स SEG एरिया में जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा और जो वहाँ से निकलेगा वो इम्पोर्ट कहलाएगा। यहाँ पे कुछ उल्टा किस्म का यहाँ पे थ्योरी है, बिकॉज मान लीजिए अगर इंडिया में कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अगर आप वहाँ से किसी गुड्स को बाहर भेज रहे हो तो एक तरह से वो इम्पोर्ट कहलाएगा, और अगर अंदर ला रहे हो तो फिर एक्सपोर्ट कहलाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। राइट, इन एनी SEZ गुड्स मे बी इम्पोर्टेड प्रोक्योर्ड फ्रॉम DTA, जो DTA होता है वहाँ से उसको लाया जा सकता है, प्रोक्योर किया जा सकता है ना, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड गुड्स और मैन्युफैक्चर करने के लिए जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं उसको आप ला सकते हो बिना किसी पेमेंट ऑफ ड्यूटी किए। मतलब आपको ड्यूटी का कोई पेमेंट नहीं करना है, आप बिना टैक्स पे किए, बिना ड्यूटी पे किए आप ला सकते हो, है ना। प्रोडक्शन के लिए सर्विसेज, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग असेंबलिंग ट्रेडिंग रिपेयर रिकंडीशनिंग री इंजीनियरिंग पैकेजिंग एंड कनेक्शन विद देयर विथ एंड एक्सपोर्ट देयर ऑफ। तो इन सब प्रोसेसिंग में, इन सब प्रोसेस को करने के लिए आपको किसी तरह की ड्यूटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग समथिंग फ्रॉम DTA। राइट, ओके। SEZ मे बी सेटअप इन द पब्लिक प्राइवेट जॉइंट सेक्टर बाई द स्टेट गवर्नमेंट एज नोटिफाइड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने क्या कहा है कि ये जो है इसको पब्लिकली भी सेटअप किया जा सकता है, मतलब गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनीज भी कर सकती है, या फिर चाहे तो दोनों मिल करके कर सकते हैं, जॉइंट सेक्टर भी हो सकता है, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्रिएट कर सकती है। ये बात किसने कही है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का भी हमारे मंत्री कौन है? तो वो हैं सुरेश प्रभु। ठीक है, ये मैं GK की थोड़ी सी चीज़ें बता देता चलता हूँ, है ना। द एग्जिस्टिंग प्रोसेसिंग जोन EPGs, ठीक है, मैं Z को G कह रहा हूँ बिकॉज Z को जो है विदेशों में Z कहा जाता है, तो Z थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी आसानी है, इसलिए मैंने Z कह रहा हूँ। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा इसमें। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन विच इज़ EPGs मे ऑल्सो बी कन्वर्टेड इन टू SEZ बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थ्रू इशू ऑफ ए नोटिफिकेशन। तो बात कही जा रही है जो EPGs होते हैं ना, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, उसको जो है कन्वर्ट किया जा सकता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन इशू करती है कि नहीं, हम लोग जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। राइट, इसके रिगार्डिंग अगर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन इशू करती है तो ये कन्वर्ट भी हो सकता है। ठीक है, अप्रूवल्स एंड क्राइटेरिया क्या है? तो कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे या इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों कहेंगे, है ना। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पे दिए गए हैं, हम लोग उसको अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। माफ़ी चाहूँगा। ऑल प्रपोजल्स फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिट इन SEZ विल बी अप्रूव्ड बाय द डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, जो डेवलपमेंट कमिश्नर होता है वो अप्रूव करता है कि जो SEZ है उसके प्रपोजल को। ठीक है, अगर कोई प्रपोजल करता है कि नहीं मुझे ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे क्रिएट करना है, तो जो डेवलपमेंट कमिश्नर होता है वो उसको अप्रूव करता है ना, कि नहीं ठीक है हम आपकी बात को मानते हैं और आपकी जो फाइल है उसको आगे बढ़ाते हैं, ताकि जो भी हायर अथॉरिटी है वो उसके ऊपर डिसीजन ले पाए कि उसको ग्रांट करना है कि नहीं करना है SEZ का स्टेटस। राइट, स्पेसिफिक अप्रूवल विल बी ग्रांटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, स्पेसिफिक अप्रूवल दिया जाता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, है ना,
ग्रांट किया जाता है, मतलब एक तरह से दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग इंक्लूडिंग रीपैकेजिंग कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, माइनर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये बी नंबर पॉइंट में था। सी नंबर पॉइंट में रिकंडीशनिंग रिपेयरिंग री इंजीनियरिंग ETC, ये सी नंबर पॉइंट हो गया। डी हो गया फॉर सर्विस एक्टिविटीज। तो इन सब एक्टिविटीज़ के कारण, इन सब एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक अप्रूवल प्रोवाइड किया जाएगा टू हैव द स्टेटस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट, SEZ। अच्छा, तो जो क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। पॉजिटिव फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ठीक है, आपकी जो फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो क्या होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। SEZ यूनिट इंक्लूडिंग जेम एंड ज्वेलरी यूनिट शैल अचीव पॉजिटिव NEFP एंड एनुअली एंड क्यूमुलेटिवली एज पर द पॉलिसी। तो बात कही जा रही है जो आपका NEFP होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव होना चाहिए जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में या फिर जो भी है उन सबको ले करके। अगर आपका NEPF अगर आपका NFEP अगर आपका पॉजिटिव है, राइट, तो आपको जो है ये स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। एनुअली होना चाहिए और क्यूमुलेटिवली एज पर द पॉलिसी होना चाहिए। मतलब एक तो साल में साल हर साल जो है ये होना चाहिए प्लस क्यूमुलेटिव, मतलब इस साल अगर इतना है तो आगे साल ज़्यादा होना चाहिए उससे, राइट। ये क्राइटेरिया भी मेंटेन किया जाता है ताकि हर साल जो है ना वो ज़्यादा हो, ठीक है, ये हो गया। ट्रेडिंग SEZ यूनिट शैल अचीव अ टर्नओवर ऑफ US डॉलर 1 मिलियन इन 5 ईयर्स, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग SEZ होता है उनका जो टर्नओवर है, जो सेल है, वो पूरे साल का कम से कम 1 मिलियन होना चाहिए, सॉरी 5 सालों में कम से कम 1 मिलियन होना ही चाहिए, तो ही आपको SEZ का स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो डेटा आप देख रहे हो ना ये काफ़ी पुराना बुक है इग्नू का, राइट। सो ये डेटा में हो सकता है कि अभी के टाइम में बदलाव हुए होंगे, लाइक ये जो 1 मिलियन का टारगेट है उसको बढ़ा करके ज़्यादा किया गया होगा डेफिनेटली, बिकॉज इंडिया का जो करेंसी है वो तो लगातार डिवेल्यूएट हो रहा है, अभी 73 रुपये पे है, और जब ये बुक बना होगा उस टाइम पर इंडिया का वैल्यू कम से कम रुपये का 34-35 रुपये के आसपास रहा होगा, तो एक तरह से अभी डबल हो गया है, तो चीज़ें बदली भी होंगी, है ना। तो जो मैं बुक है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आपको अगर इस तरह का कोई डेटा अगर पुट करना पड़ता है ना अपने आंसर में, तो आप ना बगल में आप अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि उसको लिखने से क्या होगा, जो चेकर होगा वो कम से कम ये नहीं सोचेगा कि इसने पढ़ा नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो गलत सोचे अकॉर्डिंग टू जो प्रेजेंट सिनेरियो है हमारा, उसके हिसाब से हो सकता है उसे गलत लगे कि नहीं ऐसा तो है नहीं, तो आप अगर वो मेंशन कर दोगे ना तो वो समझ में आ जाएगा उसको कि नहीं जो इग्नू का बुक है उसमें ही ऐसा लिखा हुआ था, राइट। अच्छा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात हो रही है कि आपको कितना जो है इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है इफ़ यू आर वॉन्टिंग द स्टेटस ऑफ SEZ, राइट। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी बाई ए यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन शैल बी ₹50 लाख, ठीक है। तो कम से कम 50 लाख रुपए तक का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा किसी भी कंपनी द्वारा, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हो वहाँ पे किसी एक यूनिट के द्वारा, तो खासकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले जो एरिया है उसमें, तो आपको 50 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, ठीक है। दिस वुड हाउएवर नॉट अप्लाई टू एग्जिस्टिंग EPZ यूनिट कन्वर्टिंग इनटू SEZ। अब देखिए यहाँ पे एक और क्लॉज बोल दिया गया, यहाँ पे बोला गया अगर कोई EPZ है, मतलब आपका एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन अगर है, वो अगर SEZ में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपको 50 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये 50 लाख रुपए का जो क्राइटेरिया है ये उन पे लागू नहीं होता जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की कंपनीज होती हैं या यूनिट्स होती हैं, राइट। माफी चाहूँगा, आगे देखता है इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। यू हैव लर्न द कंसेप्ट ऑफ EPZ, हाँ यस वी हैव लर्न, आगे देख लेते हैं। ट्रेडिंग इंक्लूडिंग लेबलिंग बेनिफिट्स में देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो है ट्रेडिंग इंक्लूडिंग लेबलिंग रीपैकेजिंग और माइनर प्रोसेसिंग, ठीक है। यूनिट सेटअप इन SEZ फॉर ट्रेडिंग इंक्लूडिंग लेबलिंग रीपैकेजिंग माइनर प्रोसेसिंग में इम्पोर्ट और प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम DTA और अदर फ्रॉम SEZ EOU EPZ यूनिट्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। वही बात कही जा रही है जो पहले कही गई थी कि इन सब चीज़ों को, है ना, आपको अगर सेटअप करना है SEZ में ट्रेडिंग करने के लिए, इंक्लूडिंग लेबलिंग रीपैकेजिंग माइनर प्रोसेसिंग करने के लिए, तो आप जो है गुड्स को DTA से प्रोक्योर कर सकते हो, या फिर तो आप जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है EOU है EPZ है वहाँ के यूनिट से भी आप उसको ले सकते हो, अपने गुड्स को ले सकते हो, प्रोक्योर कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। आपको ड्यूटी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट ऑफ सेल टू अदर SEZ और EPZ यूनिट्स और अगेंस्ट एडवांस लाइसेंसेस एंड स्पेशल ड्यूटी फ्री एंटाइटलमेंट्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वही बात कही गई है कि अगर आपने अपने गुड्स को किसी SEZ से प्रोक्योर करना है, DTA से प्रोक्योर करना है या फिर EOU से प्रोक्योर करना है, तो आपको किसी भी तरह का पेमेंट जो ड्यूटी के लिए करना पड़ता है वो नहीं करना होगा। फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट, किसी भी फिजिकल एक्सपोर्ट के लिए या उसको सेल करने के लिए किसी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को EOU को APZ को, है ना,
उन सबको करने के लिए आपको किसी भी तरह का ड्यूटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक और बात यहाँ पे कही जा रही है दो चीज़ों में, एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बात हो गई SEZ वाली, दूसरी बात और में देखिए लिखा हुआ अगेंस्ट एडवांस लाइसेंसेस। अगर किसी को एडवांस लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है EPZ का, सॉरी SEZ का, तो वो भी जो है ड्यूटी से फ्री रहेगा, मतलब उसको भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरा देख लेते हैं, रिकंडीशनिंग रिपेयर एंड री इंजीनियरिंग गुड्स मे बी इम्पोर्टेड और प्रोक्योर्ड लोकली फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरन करेंसी आफ्टर रिकंडीशनिंग रिपेयर और री इंजीनियरिंग। तो बात कही जा रही है गुड जो होता है उसको इम्पोर्ट किया जा सकता है या फिर प्रोक्योर किया जा सकता है लोकली, ठीक है, लोकल से ही फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरन करेंसी। ठीक है, फिजिकल एक्सपोर्ट करने के लिए आप जो हो उसको प्रोक्योर कर सकते हो किस करेंसी में, जो कन्वर्टेबल फॉरन करेंसी होगी उसमें। जैसे कि इंडिया की करेंसी कन्वर्टेबल है डॉलर में, है ना, एक डॉलर में 73 रुपये होते हैं, तो आप उस चीज़ में उसको कन्वर्ट करके आप कर सकते हो। लेकिन कब, जब आप रिकंडीशनिंग कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो या फिर री इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो इस क्षेत्र में। ठीक है, हर चीज़ में नहीं कर सकते, सिर्फ इन्हीं तीन चीज़ों में कर सकते हो जो यहाँ पे मेंशन की गई है, रिकंडीशनिंग, रिपेयर या फिर री इंजीनियरिंग। राइट, आई गेस कि आपको समझ में आया होगा। सेल इन DTA, ठीक है, आगे देख लेते हैं। SEZ यूनिट में सेल गुड्स इंक्लूडिंग बाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन DTA। तो बात की जा रही है SEZ जो होगा वो गुड्स को सेल कर सकता है, चाहे वो किसी तरह का बाई प्रोडक्ट हो या किसी तरह की सर्विसेज हो, वो उसको सेल कर सकता है कहाँ पे, DTA में। ठीक है, द सेल इज शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द इम्पोर्ट पॉलिसी इन फोर्स। तो जो भी इम्पोर्ट पॉलिसी होगी लगी हुई होगी, जैसे जो पॉलिसीज होती हैं वो 5 साल की होती है ना जनरली, है ना, एग्रीकल्चर पॉलिसी, फॉरन ट्रेड पॉलिसी, तो यहाँ पे इम्पोर्ट पॉलिसी जो है उस टाइम पे जो भी पॉलिसी लगी हुई होगी उसके जो रूल्स होंगे उसको जो सेल करना है उसको उसी के अकॉर्डिंग करना है, यहाँ पे बात कही जा रही है। सब्जेक्ट टू अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिव NFEP, लेकिन यहाँ पे आपको जो अचीवमेंट है वो आपको करना है कि वो आपका जो NFEP है वो पॉजिटिव रहे, वो नेगेटिव ना हो, क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, पॉजिटिव में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात कही गई, एनुअली क्यूमुलेटिवली एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटी। ठीक है, No DTA sale shall be permitted to trading SEZ unit। अगर आप किसी SEZ unit के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो है DTA के थ्रू कोई सेल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। No DTA sale shall be permitted, है ना, किसी भी तरह का सेल जो कि DTA के थ्रू होता हो वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर आप किसी SEZ के साथ ट्रेड कर रहे हो तो। मतलब मान लो आप SEZ की कंपनी हो या फिर SEZ हो, आप अगर दूसरे SEZ के साथ ट्रेड कर रहे हो तो DTA जो है, DTA के थ्रू जो सेल है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। आगे देख लेते हैं, सेल डिस्पोजल ऑफ रिजेक्ट्स वेस्ट स्क्रैप रिमेनेट्स इन DTA। स्क्रैप वेस्ट रिमेनेट्स रिजेक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इन कनेक्शन देयर विद मे बी सोल्ड इन द DTA ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटी। आप एप्लीकेबल ड्यूटी पे करके DTA में, ठीक है, कहाँ पे, DTA में ये जो चीज़ें होती हैं, स्क्रैप होता है, वेस्ट होता है, रिमेनेट्स होता है, रिजेक्ट्स होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में ये सब जो चीज़ें होती है उसको आप चाहो तो सेल कर सकते हो, माफ़ी चाहूँगा, सेल कर सकते हो DTA में, अगर आप एक एप्लीकेबल ड्यूटी को पे कर दो तो। ठीक है, मतलब मान लो आपने, आप कोई प्रोडक्शन प्रोसेस आप कर रहे हो उसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना बच गई, वेस्ट हो गया, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बच गया, स्क्रैप बच गया, तो आप क्या करोगे, आप उसको DTA में सेल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एक पैसा जो है, अमाउंट जो है वो आपको पे करना ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, नो ड्यूटी शैल बी पेबल इन केस ऑफ स्क्रैप रिजेक्ट विद इन द जोन आफ्टर इंटीमेशन टू द कस्टम्स अथॉरिटी और डिस्ट्रॉयड आउटसाइड द SEZ। ठीक है, आप अगर कस्टम अथॉरिटीज़ को बता दे रहे हो, मतलब ये इन्फॉर्म कर दे रहे हो कि नहीं आपका जो सामान है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, उस क्षेत्र में फिर आपको ड्यूटी जो है पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नो ड्यूटी शैल बी पेबल इन केस ऑफ आर डिस्ट्रॉयड विद इन द जोन, जो जोन है अगर उसमें अंदर अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, वेस्ट अगर होता है विद इन द जोन। ठीक है, अगर आप बाहर करोगे तो ही होगा, विद इन द जोन अगर होगा तो आपको जो है जो बेनिफिट है, जो मतलब जो सेल करने का जो फैसिलिटी है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, तो आगे देख लेते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग की बात हो रही है तो देख लेते हैं इसको। SEZ में यूनिट में सब कॉन्ट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट और प्रोडक्शन प्रोसेस इन द DTA विद द परमिशन ऑफ कस्टम अथॉरिटी। तो कस्टम अथॉरिटी के परमिशन के साथ DTA में क्या हो सकता है, SEZ जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर सकता है किसी एक प्रोडक्ट के लिए या फिर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए।
ठीक है, लेकिन इसके लिए अथॉरिटी उसको लेनी होगी, कस्टम अथॉरिटीज़ के पास से उसको परमिशन लेना होगा, है ना, DTMA इस प्रोसेस को करने के लिए। नो सब कॉन्ट्रैक्टिंग शैल बी परमिसेबल फॉर जेम एंड ज्वेलरी यूनिट्स। लेकिन किसी भी तरह का सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो है परमिसेबल नहीं होगा जेम और ज्वेलरी के क्षेत्र में, ठीक है। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि SEZ में सब कॉन्ट्रैक्टिंग में कहा तो गया कि आप कर सकते हो विथ हैविंग द कस्टमर कस्टम्स अथॉरिटी, है ना, लेकिन एक चीज़ और बोली गई कि हर काम में आप कर सकते हो लेकिन जेम्स और ज्वेलरी के यूनिट्स में आप ये जो जो बात है वो लागू नहीं होगी, ठीक है। इंटर यूनिट ट्रांसफ़र, इंटर यूनिट ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स अमंगस्ट SEZ शैल यूनिट शैल नॉट रिक्वायर एनी परमिशन बट द यूनिट शैल मेंटेन प्रॉपर अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। बात कही जा रही है, अगर आप इंटर यूनिट ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी SEZ में, अगर आप इंटर यूनिट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको उसके लिए किसी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसको आपको अपने अकाउंट में अच्छे से मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, और मेंटेन करने से आपको फ़ायदा भी है, आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी, है ना। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग बेनिफिट से कर रहे हैं SEZ की, राइट। तो SEZ की बेनिफिट्स या फिर फैसिलिटीज़ जो हैं वो यही सारी हैं। अब बात हो कि सेल्फ सर्टिफिकेशन की। सेल्फ सर्टिफिकेशन आप मतलब समझते हो, आपने सर्टिफिकेट जो है खुद ही से इशू किया है ना। आगे देख लेते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ SEZ यूनिट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड विल बी थ्रू सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड शैल बी मॉनिटर्ड बाई द कमिटी हेडेड बाई द डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है। बात कही जा रही है कि SEZ यूनिट में जो है अगर किसी तरह का कोई स्पेसिफिक नॉर्म्स नहीं है, स्पेसिफिक डिमांड नहीं है, तो आप सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हो सारे प्रोसीजर्स का, लेकिन उसको मॉनिटर किया जाएगा किसके द्वारा, जो कमिटी होगी उसके द्वारा। उस कमिटी का हेड कौन होगा, डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है। आप सेल्फ सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड कर सकते हो लेकिन उसको मॉनिटर किया जाएगा एक कमिटी द्वारा जिसको हेड करेंगे डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है। एंड कंसिस्टिंग ऑफ ऑफिशियल ऑफ द जोन एंड कस्टम्स, तो डेवलपमेंट और कमिश्नर के साथ जो वहाँ के जो ऑफिशियल्स होंगे उस जोन के और जो कस्टम्स के ऑफिशियल्स होंगे वो उसको मॉनिटर करेंगे, बट स्टिल यू कैन इशू द सेल्फ सर्टिफिकेशन, राइट। तो ये एक बेनिफिट है या फिर एक फैसिलिटी है जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रोवाइड की जाती है। आगे देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SEZ, SEZ शैल बी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा लाइन था, SEZ जो है वो उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है डेवलपमेंट कमिश्नर द्वारा। अगला जो पॉइंट है वो है ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स, एंड एग्जिस्टिंग EPZ यूनिट विल हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग EP जो यूनिट होता है उसको जो है ये ऑप्शंस दिए जाते हैं। क्या ऑप्शन दिए जाते हैं देख लेते हैं। इट कैन ऑप्ट फॉर SEZ स्कीम, जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो चाहे तो SEZ स्कीम को ले सकता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ले सकता है। ऑन कन्वर्जन इट्स प्रीवियस ऑब्लिगेशन एज पर एज एन EPZ यूनिट शैल बी सब एज्यूम्ड बाई इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द SEZ स्कीम, ठीक है। तो जो उसके ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो भी उसको मीट कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को, उसको सबज्यूम्ड किए जाते हैं, मतलब एक तरह से उसी सब चीज़ों को किया जाता है अंडर द SEZ स्कीम, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उस स्कीम के अंतर्गत भी उन्हीं सब चीज़ों को किया जाता है, ठीक है। एक तरह से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि नहीं आपको जो है आप जो यहाँ कर रहे थे वो वहाँ भी करोगे, प्लस वहाँ की जो एप्लीकेशंस होंगी उसको भी आपने कंप्लीट करना है। खासकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसकी ऑब्लिगेशंस को ही कंप्लीट करना है, क्योंकि दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप दे भी नहीं सकते, है ना। इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग EPZ डिसाइड्स नॉट टू ऑप्ट फॉर SEZ, अगर ऐसा कोई केस होता जिसमें EPZ जो होता है वो डिसाइड करता है कि नहीं हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस नहीं चाहिए, तो क्या होगा, इट कैन ईदर कन्वर्ट इन टू EOU, या फिर तो वो EOU में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर तो डी बॉन्ड हो सकता है, या फिर तो उसकी जो जो मान्यता है वो खत्म की जा सकती है, है ना। इन बोथ द केसेस द यूनिट शैल फिजिकली मूव आउट ऑफ द SEZ, इन दोनों केसेस में क्या होगा, जो फिजिकली जो जो दोनों यूनिट्स हैं उसको मूव कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको SEZ पसंद आया होगा। SEZ में हम लोगों ने किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डेफिनेशन या फिर क्या उसके अंतर्गत होता है वो हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों ने अप्रूवल्स एंड क्राइटेरिया किया, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या अप्रूवल आपको करवाने पड़ते हैं टू हैव द स्टेटस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसके बाद बात की गई बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ के बारे में जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रोवाइड की जाती हैं या होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी की हैं।
तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो एम कॉम कर रहे हैं या जो बी कॉम कर रहे हैं, आगे जाकर के एम कॉम करने वाले हैं इग्नू के थ्रू, आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े किसी चीज़ों को, और आगे जा करके वो बहुत ही आसानी से अपने एम कॉम के एग्जाम्स को दे पाएँ। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं जो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। मैं ऐसे ही किसी भी वीडियो, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, है ना। जो 5 ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं वही होते हैं, तो मैं उसी के ऊपर बनाऊंगा। फिर भी अगर आप किसी तरह का सजेशन देना चाहें कि इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लूँगा और एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।